हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर 2 रिव्यू एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो आए जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन। ये सवाल भी मुश्किल नहीं है, जैसे हमने पहले वाले सवाल आपको किया। सिर्फ वही वाली बात कहूंगा, अगर आपको ये पता है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिटियन क्या होता है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो कंडीशन बता देता हूं। हर्मिटियन मैट्रिक्स की कंडीशन ये बोलती है, जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन हो आप क्या करें, उसका कंजुगेट फाइंड करें और उसका कंजुगेट फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और वो अगर ए के बराबर वापिस आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, हर्मिटियन होगा। क्लियर है? चले भाई, उसके बाद वो बोलता है अगर आप ए का मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स तो हम ये बोलेंगे दैट इज स्क्यू हर्मिटियन। चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोग ये बात समझ गए। तो हमें बस क्या काम करना है, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट कॉमा ए मैट्रिक्स, हम लोग ये वाला जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसे ए मैट्रिक्स मान लेंगे। मान लिया, अब क्या करेंगे, इस ए वाले मैट्रिक्स का सबसे पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे और जब कंजुगेट आ जाएगा तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो ए के बराबर आया या वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आया। बस ये काम आप लोगों को करना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बहुत आसान सवाल है। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे स्टूडेंट। देखिए, आसान सवाल हो तो थोड़ा स्पीड तो पकड़नी चाहिए हमारे को। चले भाई, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए का कंजुगेट। तो क्या लिखेंगे, तो यहां लिखूंगा नाउ ए का कंजुगेट हमारे पास क्या होगा। ए का कंजुगेट हमारे पास होगा, देखिए भाई स्टूडेंट, कंजुगेट में होता क्या है, कंजुगेट में ये होता है जो भी मैट्रिक्स के अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कंजुगेट। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी इमेजिनरी पार्ट हो उसका साइन चेंज कर दे। तो भाई देखें, वन क्या है, एक रियल है, छोड़ दें इसको। वन माइनस आयोटा, ये जो आयोटा है तो डेट इज इमेजिनरी पार्ट, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो वन प्लस का आयोटा, उसके बाद टू है तो टू ही रहेगा। माइनस का वन, माइनस का आयोटा, माइनस के वन को तो लिख दें क्योंकि वो एक रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का आयोटा हो जाएगा। ये थ्री आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है तो इसका भी साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का थ्री आयोटा। आयोटा है तो इसको लिखूंगा माइनस का आयोटा, माइनस का टू को कुछ नहीं करेंगे, ये आयोटा है तो इसको क्या लिख दूंगा माइनस का आयोटा, और ये जीरो है तो जीरो ही लिखेंगे। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए का कंजुगेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, इस ए कंजुगेट का, इस ए कंजुगेट वाले मैट्रिक्स का क्या करेंगे, अब मालूम करेंगे ट्रांसपोज। और आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत आसान है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये पहली रो है इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं तो वन, वन प्लस का आयोटा और ये आ गया टू। सेकेंड रो है, सेकेंड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो बन जाएगा माइनस का वन प्लस का आयोटा, माइनस का थ्री आयोटा और ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। चले भाई, उसके बाद थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टू, माइनस का आयोटा और ये आ गया जीरो। तो ये हमने क्या भैया स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, ए कंजुगेट फाइंड किया और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो वो ए कंजुगेट फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो ए के बराबर आया। आप बोलेंगे सर नहीं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या सेम है, आप बोलेंगे सर नहीं सेम नहीं है। जिस वजह से अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे। सो आए जरा फटाफट कॉमन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो ए कंजुगेट और ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स के अंदर से नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहा हूं तो नेगेटिव साइन को कॉमन लूंगा तो इसका मतलब क्या है, हर रो में तो कॉमन निकलेगा। तो भाई देखें, इसमें तो माइनस गया क्योंकि उसके बाद माइनस था नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस का वन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये वापस वन आएगा। उसके बाद इधर देखें, तो भाई देखें ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन चले गया और ये प्लस था तो ये क्या बन जाएगा माइनस। तो इस तरीके से देखिएगा, अगर ये माइनस का वन प्लस का आयोटा है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा वन माइनस का आयोटा, सही है। क्यों,
इसकी वजह ये है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये जो माइनस साइन है ये तो बाहर आ गया, तो अब बचेगा क्या, वन माइनस का आयोटा, तो ये आ गया वन माइनस का आयोटा। ये वाला माइनस साइन बाहर चले गया, सिर्फ क्या बचेगा, टू, वन प्लस का आयोटा है। अब वन प्लस के आयोटा में से मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन को कॉमन लूंगा, तो क्या होगा, माइनस का वन और माइनस का आयोटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस नेगेटिव साइन को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस यही मिलेगा, कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या गया वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या गया आयोटा। तो इसका मतलब ये माइनस साइन बाहर चले गया, तो सिर्फ बचेगा कौन, माइनस का वन माइनस का आयोटा। इधर देखिए माइनस का साइन बाहर चले जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, थ्री आयोटा। ये माइनस का साइन बाहर चले गया तो सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा। इधर देखें तो माइनस का साइन बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का टू। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टू वापिस आ जाएगा। ये माइनस साइन बाहर चलेगा, सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा, और जीरो तो जीरो रहेगा। अब आए जरा देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स ए के बराबर है क्या, चेक करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में पहली रो का पहला एलिमेंट वन है, जबकि यहाँ माइनस वन है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सवाल में गड़बड़ है। इनको सवाल में हमें पता क्या देना चाहिए था, इनको हमें सवाल में यहाँ वन के बजाय आयोटा देना चाहिए था, या तो जीरो, या तो इनको हमें आयोटा देना चाहिए था या जीरो। अब आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने जब ए का कंजुगेट फाइंड किया और उसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आना चाहिए था, किसकी कंडीशन के मुताबिक, स्क्यू हर्मिटियन के लिए, जबकि नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पर वन के बजाय इनको क्या देना चाहिए, आयोटा। सो जरा आयोटा के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ आयोटा रखता हूँ वन को हटा के, तो फिर क्या होगा, तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट्स। अभी ये ए मैट्रिक्स है, इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ अब आयोटा है तो अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था ना आयोटा, अब क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। तो इस वन को हटा के क्या लिख दूंगा, ये आ जाएगा माइनस का आयोटा। अब क्या करेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ वन की जगह क्या आएगा, माइनस का आयोटा आएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस का कॉमन लेंगे, तो जब हम माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर चले जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आयोटा। अब बताएं क्या ये बराबर आ रहा है ए मैट्रिक्स के, इसको चेक करें और इसको चेक करें। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब बुक में उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने लिखना आयोटा था लेकिन उन्होंने लिख क्या दिया, वन। वो उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने जो बुक में आंसर दिया है आप लोगों को वो क्या दिया हुआ, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अब मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, सो मैं कह सकता हूं ए इज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 को सक्सेसफुली कर लिया। थोड़ा मेहनत लगी, समझना पड़ा, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया इसमें क्या गलती थी, वो भी सही करवा दी और आपको प्रूफ भी करवा दिया, क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ। सो अब यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, लेकिन मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई स्टूडेंट्स। वो मिस्टेक मतलब वाली मिस्टेक नहीं हुई, सवाल में नहीं, मुझे आप लोगों से एक छोटा सवाल पूछ लेना चाहिए था। आप बोलेंगे सर कौन सा सवाल, मुझे ये सवाल आप लोगों से ये पूछना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने आपको बेसिक लेक्चर में ये बताया था तो मैंने आपको बताया थी ये बात कि आप देख के भी बता सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स हर्मिटियन है या स्क्यू हर्मिटियन। आप बोलेंगे सर क्या, अब मैं अगर आपसे पूछूं, पहला वाला सवाल तो गया, छोड़े इसको, अब इसको देख के मुझे क्या आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं क्या ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये हर्मिटियन है या स्क्यू हर्मिटियन, तो कैसे बताएंगे। बहुत आसान है, सॉरी, हर्मिटियन मैट्रिक्स में मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, वो हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और स्क्यू हर्मिटियन में मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो जीरो हो देंगे होंगे या वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब आयोटा आयोटा जैसे भी लिखा होगा, क्लियर है। दूसरी चीज ये है कि मेन डायगोनल के अबव और ये जो बिलो है तो वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। जैसे कि 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस का आयोटा। 7 रियल नंबर का कोई कंजुगेट नहीं होगा तो 7 7 ही रहेगा, और माइनस आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट का कंजुगेट क्या होगा, प्लस का आयोटा। इसका मतलब मैं अब ये कह सकता हूं कि ये जो हमारे को मैट्रिक्स गिवन है वो एक क्या है,
हर्मिटियन मैट्रिक्स है। आए जरा इसको साबित करके दिखा देते हैं। तो लेट ए मान लेंगे ये मैट्रिक्स को, अब हम क्या करेंगे नाउ लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या मालूम करना है आप लोगों को पता है ए मैट्रिक्स का कंजुगेट मालूम करेंगे हम लोग। तो आए जरा कर लेते हैं, कंजुगेट में क्या होता है सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो भाई देंगे फोर तो एक रियल है, वन माइनस आयोटा के अंदर हम क्या लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट आयोटा है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सेवन तो सेवन ही रहेगा, वन प्लस आयोटा है तो इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, अभी यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख दूंगा, सिक्स को सिक्स रहने दूंगा, ये माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा आयोटा, सेवन सेवन रहेगा, ये प्लस का आयोटा है तो क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये फाइव है तो फाइव ही रहेगा। चले भाई अब क्या करें, बिल्कुल सही बात है एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे एक कंजुगेट का आप क्या करेंगे ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे बहुत आसान है, पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा फोर वन प्लस का आयोटा और ये हो जाएगा सेवन, दूसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वन माइनस का आयोटा सिक्स और ये आ जाएगा आयोटा, उसके बाद थर्ड रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा सेवन माइनस का आयोटा और ये हो जाएगा फाइव। चले आज जरा आप देखते हैं क्या ए का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज क्या ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या सेम है? हाँ भाई बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ गया किसके ए के, तो हैंस इस तरीके से क्या होगा ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। तो यहां जाके हमने इजीली क्या करा क्वेश्चन नंबर एट के पार्ट टू को भी कर लिया। सो आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर नाइन। इस क्वेश्चन नंबर नाइन में ये बोल रहे हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो साबित करके बताएं कि ए माइनस के ए कंजुगेट का ट्रांसपोज हमें मिलेगा स्क्यू हर्मिटियन। पहले मैंने बी पार्ट को लिख दिया है और उसके बाद मैंने ए पार्ट को लिखा है, क्लियर है? अब सुनते जाइएगा बात को। एक बात यहाँ पे जो बोली गई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल टू बाई टू का मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और फोर बाई फोर का मैट्रिक्स भी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चले भाई तो भाई यहाँ पर हमें साबित करके बताना है ए माइनस के ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिटियन। तो एक बात को याद रखें, यहाँ जो ये ए मैट्रिक्स होगा और जब हम स्क्यू हर्मिटियन की बात कर रहे हैं तो ये ए मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होना चाहिए, क्लियर है? तो मैंने ए मैट्रिक्स क्या ले लिया स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर एट के पार्ट वन में दिखाया भी था, ये वही वाला है, क्लियर? अब मैं क्या करूंगा ये ए मैट्रिक्स आ गया, अब मैं क्या फाइंड करूंगा इसका कंजुगेट और इसका ए कंजुगेट का ट्रांसपोज मालूम कर लिया, अभी मालूम करके बताया भी था पहले। तो अब क्या करूंगा ए मैट्रिक्स के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा ए कंजुगेट के ट्रांसपोज को, तो आज जरा देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई देखिए स्टूडेंट इन दोनों का हम क्या करवा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो हमें इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा तो मैं आपको शो करवा रहा हूँ देखिएगा। लेकिन अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद भी अगर हमें क्या मिलता है एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मिलता है तो हम ये बात बताने में कामयाब हो जाएंगे। तो भाई देखिए माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा, और अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या है मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसा करता हूँ इस पूरे मैट्रिक्स में से मैं क्या करता हूँ माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए ना। तो क्या हो जाएगा इसको मैं ऐसे लेने देता हूँ, चले मैं माइनस साइन को यहीं से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए उसने यहाँ गौर करिएगा इस मैट्रिक्स में से मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए जो सारे माइनस है ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकालूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा आयोटा बचेगा, क्लियर? उसके बाद सुनते जाइएगा बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, गलती से भी इसको बेकार समझने की कोशिश मत करिएगा। तो भाई देखें माइनस साइन कॉमन आएगा तो माइनस क्या आ जाएगा मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा आयोटा बचा, और यहाँ देखिए इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा तो वन और ये आ जाएगा वन माइनस का आयोटा, माइनस कॉमन आएगा तो टू बचेगा, माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का वन माइनस का आयोटा बचेगा, माइनस कॉमन आएगा तो सिर्फ थ्री आयोटा, माइनस कॉमन आएगा तो सिर्फ आयोटा, प्लस का टू है तो माइनस का टू बचेगा, ये बात मैं अभी बता चुका हूँ उसको, माइनस कॉमन आएगा तो सिर्फ आयोटा बचेगा, जीरो के अंदर से ही आ गया,
क्लियर। तो जब माइनस कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा और माइनस यहाँ के मल्टीप्लाई होगा इस वाले माइनस से। क्लियर। अब यहाँ पर ये वाले मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ तो नोट करिएगा। चले भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस ही लिख देता हूँ ताकि हमारे को स्टेप बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों को फटाफट ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो आए जरा देख लेते हैं। यहाँ मत प्लस कर दीजिएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस हुआ है। क्लियर है। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा जीरो, प्लस वन माइनस का आयोटा और वन माइनस का आयोटा, प्लस का वन क्या हो जाएगा, प्लस का टू, माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा ये हो जाएगा माइनस का टू आयोटा। चले भाई, प्लस का टू ये हो जाएगा प्लस का फोर, माइनस का वन ये हो जाएगा माइनस का टू, माइनस का आयोटा ये हो जाएगा माइनस का टू आयोटा। क्लियर। थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा ये हो जाएगा सिक्स आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा ये हो जाएगा टू आयोटा, माइनस का टू और माइनस का टू ये हो जाएगा माइनस का फोर, आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा टू आयोटा, जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है क्या ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। आप इसके मेन डायगनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो देखिए, क्या वो जीरो है या इमेजनरी नंबर है, कोई इमेजनरी पार्ट है। तो देखिए भाई, जीरो जीरो आ रहा है और ये इमेजनरी है, मतलब ये क्या है, मेन डायगनल पे जो एलिमेंट्स है वो जीरो भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। क्लियर, ये बात हो गई। और जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के रियल पार्ट को नेगेटिव साइन होगा। तो ये प्लस का टू है, माइनस का टू है, प्लस का फोर है, माइनस का फोर है, बाकी सब सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए में से माइनस करा ए कंजुगेट के ट्रांसपोज को, तो असल में हमें जो मैट्रिक्स मिला वो क्या है, एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ लिख देंगे, हैज शोन, हमने साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया कि ए माइनस का ए कंजुगेट का ट्रांसपोज क्या होगा, वो क्या होगा, इज हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन। चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। चले फटाफट आगे देखें स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि a प्लस के a कंजुगेट का ट्रांसपोज क्या होगा, हर्मिटियन। लेकिन वही वाली बात कि जो a मैट्रिक्स होगा वो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स होना चाहिए। चले भाई, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स था वो हर्मिटियन था, तो मैंने ले लिया। उसके बाद ऐड करेंगे इसी वाले मैट्रिक्स के a के कंजुगेट के ट्रांसपोज के, तो वो हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, वो लिख दिया। चले, इन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं क्या जो हमें उसके नतीजे में मैट्रिक्स मिलेगा क्या वो हर्मिटियन होगा। आए जरा देखते हैं। तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, 4 प्लस का 4 ये हो जाएगा 8, 1 माइनस का आयोटा 1 माइनस का आयोटा, तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। चले भाई, 7 माइनस का 2 ये हो जाएगा 5, 1 प्लस का आयोटा 1 प्लस का आयोटा ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 आयोटा, प्लस का 6 ये हो जाएगा प्लस का 12, माइनस का आयोटा ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 प्लस का 7 ये हो जाएगा 7, मतलब 5 का कितने बचेगा, 5, सॉरी 7 में से 7 में से 2 गए तो कितने बचेगा, 5, प्लस का आयोटा ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। क्या ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसके मेन डायगनल पर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, रियल नंबर्स है, और मेन डायगनल मतलब सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट है। तो भाई देखें, ये कंजुगेट है माइनस का 2 आयोटा तो प्लस का 2 आयोटा, रियल नंबर को छोड़ दें, माइनस का 2 आयोटा तो प्लस का 2 आयोटा। इसका मतलब यह क्या हुआ कि जब हमने ए प्लस के ए कंजुगेट का ट्रांसपोज फाइंड किया तो उसके नतीजे में जो हमें मैट्रिक्स मिला वो भी एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस का ए कंजुगेट का ट्रांसपोज क्या है, इज हर्मिटियन। क्या आया है, इज हर्मिटियन, हैंस चोन। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, साबित करके बता दिया। और यहाँ जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से आए जरा हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सो आए जरा गौर करते हैं, बोल रहे हैं साबित करके बताएं कि ये जो मैट्रिक्स मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर आएगा इसका। हमने बोला बिल्कुल, और हमने जब गौर किया कि जीरो के बराबर आएगा तो हमारे दिमाग में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज घूमनी चाहिए स्टूडेंट। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट जिसमें बोला जाता था कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स
अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आएगा। लगभग मेरे हिसाब से जो याद आ रही है प्रॉपर्टी नंबर 3 में बोला था शायद, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये कोशिश करनी है कि इन तीनों रो में से कोई भी दो रो को आइडेंटिकल बना दूं। कितनी रो है, 1, 2, 3। या तो मैं कोई भी दो कॉलम, मेरी मर्जी है, या तो कोई भी दो रो को आइडेंटिकल बनाने में मैं कामयाब हो जाऊं, या तो मैं कोई भी दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाने में कामयाब हो जाऊं। अगर मैं ऐसा हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का हमेशा क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो आए जरा आप क्या करते हैं, देखिएगा जरा गौर करिएगा। अगर आप थोड़ी देर देखें इसको, तो अगर आप यहां देखें, अगर मैं सेकेंड रो को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं फर्स्ट वाले रो से, तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या होगा, प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का बी, माइनस का बी कैंसिल, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रो नंबर ऑपरेशन किस पे लगा रहा हूँ, ऑपरेशन में लगा रहा हूँ रो नंबर 1 पे, ऑपरेशन किस पे लगा रहा हूँ, सॉरी रो नंबर 2 पे। तो रो नंबर 2 पे मैं ऑपरेशन ये लगा रहा हूँ कि रो नंबर 2 में मैं माइनस करवाने जा रहा हूँ, रो नंबर 2 में से माइनस करवा दूंगा किसको, रो नंबर 1 को। क्लियर, तो आए जरा देखते हैं क्या होगा। तो भाई देखिए स्टूडेंट, होगा ये कि हम रो नंबर 2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि रो नंबर 2 के अंदर से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे आर 1 को। तो भाई देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन जब सेकंड रो पर है तो फर्स्ट रो को और थर्ड रो को आपको कुछ भी नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ए प्लस का 2x लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब इसके अंदर सिर्फ क्या कर दूंगा, माइनस करवा दूंगा ए को। बी प्लस का 2y लिखा हुआ है, लिखे रहने दें, इसके अंदर ऐड करवा दूंगा माइनस का बी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। और इसके बाद सी प्लस का 2z लिखा हुआ है, लिखे रहने दें, इसमें से माइनस किसको करवा दूंगा, सी को। चले भाई अब क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमाते जाएं स्टूडेंट्स। तो देखिए ए बी सी अपनी जगह पर है, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, तो बचा क्या, 2x 2y एंड 2z, और नीचे क्या बचा, x y z। अब सवाल ये पैदा होता है, सर अभी भी कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं हुई, तो क्यों टेंशन ले रहे, अगर मैं सेकंड रो में से 2 को कॉमन निकाल लूं तो क्या बात है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कौन सी रो से, रो नंबर 2 से। तो हम क्या कर लेंगे, रो नंबर 2 से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, आइए जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो यहां पर आप देखें, क्या अब कोई दो रो आइडेंटिकल हो गई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग, क्या लिख देंगे यहां पर, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थ्री। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 0। तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर दिया। शो डेट का बोला तो आप क्या करते हैं, हैंस प्रूव लिख दें या हैंस शोन, साबित करके हमने क्या कर दिया, बता दिया। क्लियर है, तो यहाँ जाके स्टूडेंट हम लोगों ने आज के जो क्वेश्चन हमें करने थे वो कर लिए। अब 2 क्वेश्चन बाकी रह गए रिव्यू एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह उसे भी जल्द करवा के चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।